ये सारे बच्चे कहाँ से आए मैडम जी? ये सब पाकिस्तान से ही आए हैं। सारे बच्चे पाकिस्तान? सब पाकिस्तान से। हिंदुस्तान में ज्यादा अच्छा लग रहा है या पाकिस्तान में? बेटी को उठा के ले जाते थे। बेटी को, लड़कियों को उठा कर ले जाते थे। आप 10 दिन पहले पाकिस्तान से आई हो? क्या नाम हुआ बाबू? लालदास। लालदास कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। ये सारे बच्चे पाकिस्तान में रहते थे? सारे बच्चे पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान बन जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ। क्योंकि जमीन हम बेच के भी नहीं आ पाए, जमीन ली नहीं किसी ने, तो छोड़ के आने पड़े। वहाँ पे तंग करते थे पाकिस्तानी, सब मिलके तंग करते थे। क्या वहाँ से क्यों वापस आ गई पाकिस्तान से आप लोग? पाकिस्तान तंग करते थे। अभी हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली में है और एक ऐसे कॉलोनी में है जहाँ पर पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू जो है यहाँ पर आकर रह रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बैनर में लिखा हुआ है पाकिस्तान सिंध से आए हिंदू शरणार्थी परिवार, जो ये सारे परिवार के बच्चे हैं और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ये सारे बच्चे जो है पाकिस्तान में थे, लेकिन भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिस्तान ने इन बच्चे और उनके माता पिता को और इनके परिवार वालों को इतना प्रताड़ित किया कि ये बच्चे और इनके माता पिता पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, वही भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिस्तान जिसके हम बाप हैं, और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने बाप होने का फर्ज अदा किया है और अपने लोगों को यानी अपने हिंदू भाइयों को यहाँ पर फिर से विस्थापित करने का प्रयास किया है। एक मैडम जी है जो बच्चों को पढ़ा रही है। ये सारे बच्चे कहाँ से आए मैडम जी? ये सब पाकिस्तान से ही आए हैं। सारे बच्चे पाकिस्तान? सब पाकिस्तान से आए हुए हैं। जितनी भी झोपड़ियां हैं, जितने भी बच्चे यहाँ बैठते हैं, सब पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो इनको हिंदी उन्दी आता है? इनको हिंदी नहीं आती। हाँ। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान के लोग हिंदू भारत में रह सकते हैं, हाँ। तो जो हमारे हिंदू लोग हैं, हम उन्हें भारत में जगह नहीं देंगे? हाँ। हम इन्हें यहाँ बैठाएंगे भी, इन्हें पढ़ाएंगे भी, इन्हें जगह भी देंगे, सब व्यवस्था करेंगे। ये मानव मंदिर शरणार्थी सेवा द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू शरणार्थियों को यहाँ पर शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। ये सारे बच्चे पाकिस्तान में रहते थे? सारे बच्चे पाकिस्तान में रहते थे। हिंदुस्तान क्यों चले आए? क्योंकि वहां से इन्हें निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? हाँ जी। इनके पापा वापा लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर परेशान किया जाता था। बहुत परेशान किया जाता था। बताते हैं कि हमें इतना परेशान करते थे, हाँ। कि वहाँ पर इन्हें पढ़ने भी नहीं देते, कहीं आने जाने भी नहीं देते, तो वहाँ से इन्हें निकाल दिया, जगह के लिए दिक्कत। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू? लालदास। लालदास कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे? यस सर। हाँ। यहाँ क्या करने आए हो? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? अच्छा, वहाँ के लोग भगा क्यों दिए आपको? सर पता नहीं मुझे। भगाते थे क्या? यस सर। क्या बोलते थे? सर हम 1 साल के थे, यहाँ पे आ गए थे, मम्मी पापा को पता है। अच्छा, 1 साल के थे तब आ गए थे। वहाँ अच्छा लगता है या यहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ अच्छा लगता है। आप कब आए थे पाकिस्तान से? 5 महीने। 5 महीना पहले? हाँ। अच्छा ये बताइए, वहाँ अच्छा लगता था कि हाँ? यहाँ पे। वहाँ से क्यों चले आए पाकिस्तान से? वहाँ पे तंग करते थे पाकिस्तानी, सब मिलके तंग करते थे। हाँ। क्या बोलते थे बाबू? क्या बोलते थे वहाँ के लोग? सही सही बताइए ना। मुझे नहीं पता है। अच्छा, स्कूल वहाँ जाते थे कि नहीं? वहाँ पे जाते थे, कलमा पढ़ाते थे। कलमा पढ़ाते थे? हाँ। तो कलमा पढ़ने का मन करता था कि नहीं? नहीं मन करता था। सही में कलमा पढ़ने का मन करता था क्या? हिंदुस्तान में ज्यादा अच्छा लग रहा है या पाकिस्तान में? पाकिस्तान के लोग परेशान करते थे या यहाँ के लोग प्यार करते हैं? यहाँ के लोग प्यार करते हैं, वहाँ के लोग परेशान करते। वहाँ के लोग परेशान करते थे। हाँ। कब आई हो आप पाकिस्तान से? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो यहाँ पढ़ने में मन लग रहा है? हाँ। आपका कब आई हो? 10 महीने। 10 महीने। हाँ। वहाँ परेशान करते थे लोग क्या? हाँ। क्या बोलते थे? बोलते थे इधर से निकल जाओ। इधर से निकल जाओ, पाकिस्तानी सब बोलते थे कि यहाँ से निकल जाओ। हाँ। अच्छा, वहाँ स्कूल जाती थी कि नहीं आप? नहीं। यहाँ पे? यहाँ अच्छा है। यहाँ अच्छा लगता है। मम्मी पापा क्या करते थे वहाँ पे? मम्मी पापा आप? कुछ नहीं पता है। आप भी पाकिस्तान से आई हो? हाँ। क्या नाम हुआ? ये सब लोग, हाँ, क्या नाम हुआ आपका बाबू? सोनिया। सोनिया, आप लोग हिंदू है या मुस्लिम? हिंदू। हिंदू है। हिंदू है आप लोग, और यहाँ पर आकर रह रहे हैं। हाँ। वहाँ के लोग परेशान करते थे क्या पाकिस्तान के? हाँ। क्या बोलते थे? जो है पाकिस्तानी बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। हाँ। ऐसा बोलते थे? सही भैया झूठ?
सही बोलते थे। कुछ और बच्चियां हैं जो यहाँ पर अभी शिक्षा ग्रहण करने भागिए ना यहाँ मारे क्या नाम हुआ मुम्मल 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 क्या कब आई थी पाकिस्तान से आप लोग मैं नौ हो गए कब आई थी दस दिन हो गए दस दिन हो गए ये दस दिन पहले आई हैं आप दस दिन पहले पाकिस्तान से आई हो तो वहाँ यहाँ हिंदी बोलना पड़ता होगा वहाँ से क्यों वापस आ गई पाकिस्तान से आप लोग पाकिस्तान तंग करते थे न? पाकिस्तान के लोग तंग करते थे क्या बोलते थे मुसलमानों बन जाओ मुसलमान बन जाओ मुसलमान बन जाओ क्या बोलते थे मुसलमान बन जाओ पाकिस्तान के लोग बोलते थे मुसलमान बन जाओ आप नहीं बनी नहीं बनी स्कूल में पढ़ाई होता था वहाँ नहीं नहीं होता नहीं होता था खाने में क्या खाते थे लोग वहाँ पे बन्नी बारे करते अच्छा ये बताइए मम्मी पापा क्या करते थे वहाँ पे काम करते थे केले के खेत में काम करते थे आपका क्या नाम हुआ धनराज धनराज कब आए हो पाकिस्तान से दस दिन पहले आए थे वहाँ से क्यों चले आए बाबू बस यहाँ वो तंग करते थे वहाँ के लोग तंग करते थे परेशान करते थे क्या बोलते थे बस कहाँ पाकिस्तान बन जाओ पाकिस्तानी बन जाओ मतलब कोई इज्जत नहीं था आप लोगों का वहाँ पे स्कूल वगैरह भी नहीं जाने देते थे और घर वालों के साथ छेड़खानी भी करते थे परेशान भी करते थे क्या छेड़खानी करते थे बस क्या क्या करते क्या बोलते थे बेटी ले तेज से बोलो बाबू क्या बोलते थे हमको नहीं आता क्या बेटी क्या कुछ बोल रही थी बेटी क्या बोल रहे थे क्या बोल रही थी क्या बोल रहे बाबू बेटी को उठा के ले जाते थे बेटी को लड़कियों को उठा कर ले जाते थे जो भूखा नंगा देश अपने अपने देश की सेवा नहीं कर सकता है अपने देश के लोगों को हिफाजत नहीं कर सकता है वो इन लोगों का क्या करेगा ये बच्चे देश के भविष्य हैं हो सकते हैं कि ये पाकिस्तान में इनको अच्छी शिक्षा दी जाती तो ये लोग जो है चंद्रमा पर आसमान में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते लेकिन जो पाकिस्तान खुद भारत के अंदर घुसना चाहता है वो चंद्रमा पर कैसे पहुंचेगा और वो अच्छी शिक्षा कैसे देगा क्या नाम हुआ हीना क्या करती हो मैं पढ़ाई करती हूँ पाकिस्तान से कब आई दो महीने हो गए वहाँ परेशान करते थे क्या परेशान क्या बोलते थे वो बोलते थे यहाँ से निकल जाओ और आप लोग नहीं बोलते थे कुछ हम कुछ भी नहीं बोलते थे अच्छा मम्मी पापा को भी परेशान करते थे क्या हाँ और यहाँ आके अच्छा लग रहा है वहाँ यहाँ पे यहाँ क्या बोलते थे वहाँ के लोग बाबू वहाँ के लोग बोलते थे यहाँ से निकल जाओ और बहन बेटियों को भी परेशान करते थे क्या क्या बोलते थे वो सब तो हमें बता नहीं था नहीं बता सकती ना ये बेटी है और कहते हैं बेटियां घर की इज्जत होती हैं इनके साथ जो होता था वो कहने में भी कहीं ना कहीं शर्मा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर मानवता है और इनको मानव धर्म और इंसानियत पढ़ाया गया है अभी हमको इनको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं एनआरबी ने पढ़ना नहीं आ रहा पूरा शब्दों को मिला के पढ़ना नहीं आता और हिंदी में के साथ साथ में गणित भी पढ़ा रहे हैं अच्छा ये बच्चे बोल रहे हैं कि वहां पर बहन बेटियों को भी गलत निगाह से देखा जाता था कहते थे कि बेटियों को भेज दो क्या ऐसा हो सकता है क्या वो लोग कहते थे अब ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान में ही रहती हूँ हाँ। लेकिन बच्चों के मुंह से सुनने में ये बातें जरूर क्या बोलते हैं बच्चे बच्चे यही कहते थे कि वो तो हमें जमीन भी हमें बेचने नहीं थी जमीन भी इन्होंने रख ली हाँ। कि भाई यहाँ से कोई खरीदेगा नहीं हाँ। और कहते बच्चों को भाई इधर उधर लड़कियों को भाई हम ले लेंगे रख लेंगे हाँ। हमारे यहाँ गिरवी रख दो लड़कियों को गिरवी रख दो ऐसा बोलते थे ये लोग बच्चे लोग बताते इनका खुद का वहाँ जमीन और घर सब था हाँ जमीन थी इनकी बताते काफी तो कि जमीन हम बेच के भी नहीं आ पाए जमीन ली नहीं किसी ने तो छोड़ के आने पड़े सब जमीनों में सब छोड़ के आ गए पाकिस्तान में लोग हाँ जी पाकिस्तान में जमीन छोड़ के चले आए थे आप लोग आपका जमीन था वहाँ पे हाँ जमीन था सोचिए कि आज हम किस धारा में बह रहे हैं जहाँ इंसानियत और मानवता की मिसाल दी जाती थी पूरे वर्ल्ड में इंसान को पूजा किया जाता था इंसान के रूप में भगवान ने जन्म लिया और इंसान से बड़ा कोई जो है समझदार जो है प्राणी नहीं कहा गया इस धरती पे वही समझदार प्राणी एक दूसरे का भक्षक बन गया है बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाह से नजरें उठाकर देख रहा है सोचिए ये देश ये मुल्क ये विश्व किस धारा और किस दिशा में बह रहा है समझ में नहीं आता है कि इस मुल्क क्या क्या होगा सोचिए
पाकिस्तान, आज भारत कितना आगे निकल गया, चंद्रमा और हम मंगल पर पहुंचने की बात करते हैं, और वो भूखा नंगा भिखमंगा देश जो है वो आज भी हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर पाया, जो मानवता की इज्जत नहीं कर पाया, जो इंसानियत की इज्जत नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। आज 150 रुपए किलो आटा बिकता है जो है पाकिस्तान में, यही कारण है क्योंकि इन लोगों का सम्मान नहीं हुआ। 250 रुपए किलो टमाटर बिकता है, यही कारण है कि बहन बेटियों की इज्जत नहीं है वहां पर। आज जो है 70-70, 80-80, 200-200 रुपए किलो चावल बिकता है, क्यों? क्योंकि वहां पर बहन बेटियों की जो है इज्जत नहीं है। सही बोल रहा हूँ या गलत? सही बोल रहा हूँ। महंगाई वहाँ ज्यादा नहीं है? महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई। टमाटर क्या रेट है वहाँ पे? पता नहीं है। क्या 150 रुपए किलो। सोचिए, कहीं किसी भी देश के संविधान में पढ़ाया गया है क्या सबसे बड़ा धर्म है संविधान, सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान? क्या पाकिस्तान के संविधान में यही लिखा है कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करो, बहन बेटियां किसी की गिरवी रख लो, यही पढ़ाया गया? कदापि नहीं लिखा गया होगा संविधान में। और उस संविधान को मानने वाले लोग आज हैवानियत के चरम सीमा को क्रॉस कर गए हैं। सोचिए कि पाकिस्तान तुम्हारा वो हश्र होगा इस देश में जो है, इस विश्व में, कि जिसका हश्र पूरे विश्व में किसी देश को का नहीं हुआ होगा। सुधर जाओ, अभी भी समय है, और उन लोगों को सही निगाह से देखो जो सच में इंसान है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। बाकी मानव मंदिर शरणार्थी सेवा बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, जो इन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो बच्चे शिक्षा पा जाएंगे उन बच्चों को, वो बच्चे अपना भविष्य खुद उज्जवल कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों। जय हिंद आपको। जय हिंद।